मैं तो जब से भारतीय जनता युवा मोर्चे में काम शुरू किया था तो मैं उपखंड तक जाता था, चार बार महामंत्री रहा, तो मेरी पहचान भी संगठन में उस प्रवास के नाते ही होती थी। और अब मैं मुख्य कार्यकर्ता हूं, मेरी जिम्मेवारी ज्यादा है और इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद बना रहे और जमीनी तौर पर बहुत सारे सामाजिक संगठनों से मिलता हूँ, आध्यात्मिक जो संगठन है, जो स्थान है, उनसे ऊर्जा भी मिलती है, बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है। तो इसलिए आज से मैं अभी आदिवासी पश्चिमी राजस्थान और बीकानेर संभाग का मैंने अपना दौरा पूरा किया है, भविष्य में बाकी जगह भी जाऊंगा, लेकिन पार्टी संगठन नीचे तक विस्तारित हो और जो हमारे मोर्चे हैं वो और ज्यादा प्रभावी होकर काम करें। तो इन सब मुद्दों पर पार्टी को एक्टिवेट करने के लिए भी और पार्टी को और ज्यादा नीचे सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाए, इसी भावना के साथ मैं नीचे जाता हूँ। सुखी जी, एक सवाल है मेरा, आमतौर पर जब भी इस तरह का सवाल होता है राजनीतिक स्टाइल में जवाब दिया जाता है, लेकिन चाहूंगा कि सतीश पूनिया पहली बार खुलकर इस बात को कहें ताकि चर्चा खत्म हो। वसुंधरा राजे को लेकर और भी कई बातें होती है, ब्रिगेड तक बन जाती है, आपने अनुशासन की बात की है, तो छोटी पार्टी के फोरम पर एक नेता ने कार्रवाई की, लेकिन क्या लगता है बिना अंडर द वन अम्ब्रेला आए कैसे आप कांग्रेस से लड़ेंगे 2023 में? देखिए, कांग्रेस से हम पहले भी लड़ते आए, आगे भी लड़ेंगे, इसलिए इन सब सियासी चर्चाओं का पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी बहुत स्थायी है, संगठन मजबूत है, विचार स्थायी है और राजस्थान की जनता को तय करना है कि उनको किन को चुनना है, लेकिन हम अपनी तरफ से अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आएंगे। इस तरीके की राजनीतिक चर्चाएं अक्सर होती हैं और किसी भी किस्म की कोई बात होगी तो आलाकमान उसको संज्ञान में रखता है, इसलिए मेरा मुद्दा नहीं है। मेरे लिए तो ये कि मैं जितना परिश्रम करूं और पार्टी को नीचे तक पहुंचाऊं, वो मेरी जिम्मेवारी है, जो सियासी मुद्दे उनका निराकरण समय पे करेंगे। आपने कहा आलाकमान संज्ञान में रखता है, तो मतलब समय आने पर कार्रवाई होगी, दोष जो है वो जब जरूरत होगी तब देंगे पार्टी? वो उनको तय करना है, लेकिन हम पूरे तरीके से, केंद्र भी हमारे काम से संतुष्ट है और हम भी संतुष्ट हैं, जो भूमिका हमें दी हम उसको ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सतीश पूनिया की USP है, सॉफ्ट स्पोकन है, मृदुभाषी है, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में भाजपा में कई ऐसे चेहरे आ गए हैं जो ये कहा जा रहा है कि सिविल लाइन्स उस मंगले में बैठेंगे जिसको लेकर सबको इंतजार है, सब दौड़ने में नहीं है, तो सतीश पूनिया कहाँ फिट बैठते हैं अपने आप में, क्योंकि जब आपस में ही टांग खिंचाई हो रही है? कुछ भी खिंचाई होगी, लेकिन 2023 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी और मेरी जिम्मेवारी है कि अध्यक्ष के नाते मैं अपना जो फर्ज है वो पूरा करूं। किसको मुख्यमंत्री बनाना ये संसदीय बोर्ड को तय करना, इसके लिए बहुत सारे लोग कह चुके हैं तो बार बार दोहराने की आवश्यकता समझता नहीं हूं। राजस्थान की जनता तय करेगी और संसदीय बोर्ड तय करेगा, लेकिन पहली जिम्मेवारी यही है और पहले मकसद है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर और बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में। पंजाब का दौरा करके आए हैं, प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, किस तरह का माहौल देखते हैं? देखिए, पंजाब की राजनीति में बीजेपी का शुरुआती दिनों में बहुत बड़ा आधार नहीं था, हम लोग केवल कुछ अर्बन एरियाज तक सीमित थे और अकाली दल के साथ हमारा बहुत लंबा और एक भावनात्मक संबंध था और कुछ परिस्थितियों के कारण वो अलग हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर काफ़ी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कुछ जगह कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि आने वाले समय में पार्टी का भविष्य काफ़ी सुखद होगा, अभी जो भी परिणाम होगा वो पार्टी के लिए पंजाब में संतोषजनक होगा। आधी आबादी यानी कि महिला, राजस्थान की पहली बार दूसरी मुख्य सचिव महिला बन रही है अशोक गहलोत के कार्यकाल में, लेकिन उसके साथ ही एक नया आदेश भी जारी हुआ है सलाहकार के रूप में, नवरत्न एक और बढ़ गया है। हाँ, मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है कि एक लंबी बारात है सलाहकारों की, उनका एक दो से काम नहीं चल रहा तो उसमें बारात में जोड़ते जा रहे हैं, तो उनको तय करना है कि वो सलाहकारों से कैसे काम लेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि केवल तुष्टीकरण के लिए और लीपापोती के लिए लोगों को काबिज करना, मैं तो नहीं मानता कि किसी भी कोई योग्य सरकार और किसी योग्य प्रशासनिक नेता के लिए इस तरीके के सलाहकारों की आवश्यकता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके से वो जो सियासी चाल अशोक गहलोत जी चलते हैं उसी किस्म का फैसला है। अंतिम सवाल है मेरा, गाय हमारी माता है और वोट हमको बांटता है, समझ गया? बीकानेर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए अगर ये बात है तो गलत नहीं होगी कि गोय और गोचर के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी उस धरने को नहीं संभाल रही है जो बीजेपी के पूर्व में रहे नेता लगातार मांग उठा रहे हैं। क्या पार्टी का स्टैंड नहीं है? गाय और गोचर के नाम पर हमने गुराम के नाम पर वोट मांगा था, भावनाओं के साथ हमने लोगों से वोट मांगा और अब गाय के नाम पर हम साथ नहीं आ रहे। नहीं, देखिए, नैतिक मुद्दा है और समाज में हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने का रखने का तरीका है
पार्टी की अपनी एक अनुशासन और मर्यादा है, आवश्यकता लगेगी तो पार्टी विचार करेगी, लेकिन पार्टी को इस मामले में कोई ऐतराज नहीं, पार्टी नैतिक रूप से इस समर्थन में ही है कि गोचर का संरक्षण किया जाए।